यहाँ पे पहला पतंग उड़ाते आते हुए अकुल भैया 5 बजे बस अभी 1-2 का हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है अक्षय पाटनकर। तो साल का पहला त्योहार यानी कि मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल और उत्तरायण की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपको सुख, समृद्धि और शांति भी दे। वैसे भी आज ना थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि 10 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो जल्दी से हम टेरेस पे जाते हैं। अब टेरेस पे पहुंच चुके हैं, काफी जोरों से हवा आ रही है और बहुत सारे पतंग उड़ रहे हैं। अब मजा आने वाला है, तो चलो मजे करते हैं। अब नई नई यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है तो मैंने सोचा कि एडवर्टाइजमेंट के लिए पतंग पे ऐसे चिट्स चिपका के आगे भेज दो। और यहाँ पे पापा ने भी पतंग उड़ा दी है ऊपर, काफी जोरों से हवा आती हुई। दूसरी पतंग लाल वाली, पहली हरी वाली थी, अब दूसरी लाल वाली। साली दो पतंग उड़ाई पर दोनों पतंग कट चुकी है। अब पता नहीं हवा कम थी या मेरे काटने में कुछ प्रॉब्लम था, पर कोई नहीं, हम काटेंगे जरूर। हमारे लाला आते हुए अकुल भैया, कैसे हो भाई? बढ़िया है, अब मजा आने वाली है पतंग काटने में क्योंकि मेरा पार्टनर आ गया है। तो अब मैदान पूरा साफ करने के लिए रेडी है हम। 2022 की अकुल की पहली पतंग हरी है, हरी हरी। भाई पतंग काटनी है लोगों की, कटेगी ना? कटेगी। पुटका काटनी है, अभी तक दो ही पेज काटे हैं सिर्फ पापा ने और अकुल, आज काटनी पड़ेगी। पहली पतंग है तो काटनी जरूरी है भाई। अभी कटेगी, ये कटने वाली है, देखो। ऐसे मजे आती है। अकुल की दूसरी पतंग पर उससे पहले एडवर्टाइजमेंट जरूरी है भाई। तो अब उड़ाएंगे ये उड़ी दूसरी पतंग। फर्स्ट आप खत्म हुआ, काफी मजे आए पर इतनी मजे नहीं आई जो पिछली बार आई थी, पर आएगी ज़रूर। पर अब मैं आ गया हूँ नीचे क्योंकि बहुत धूप लग रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और लगी है भूख। तो मैं अभी पहले खाना खाने जाऊँगा, फिर मिलते हैं जल्दी। 3 बज चुके हैं, खाना खा के वापस से मैं टेरेस पे आ गया हूँ। मम्मी ने बहुत ही डिलीशियस खाना बनाया था, सूरती स्पेशल उंधियू श्रीखंड पूरी एंड पापड़ था, मज़े आ गए। पर अब पूरी फैमिली मेरी ऊपर आने वाली है टेरेस पे, तो काफ़ी मज़े आने वाले हैं। और साथ में 4 से 6 के जो बीच का टाइम होता है ना, बहुत ही मज़े आते हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा रहती है, तो पतंग उड़ाने में सही मज़ा आएगा। Yeah!
पेड़ों में चिर गया चाचा का मटन, चाचा का मटन पेड़ों में चिर गया चाचा का मटन। पंद्रह मिनट से पतंग उड़ा रहा है पर अभी भी उड़ नहीं रही है इसकी पतंग। भाई कैसे उड़ा रहा है? भाई भाई कैसे उड़ नहीं रही आपकी पतंग भैया? नाराज हो गई, नाराज हो गई, नाराज हो गई, नाराज। आपको पूजा करवानी पड़ेगी पतंग की। अंधेरा होने लगा है तो अब हम उड़ाएंगे व्हाइट पतंग, यानी गुजराती में कहते हैं बगलू पतंग। उत्तरायण स्पेशल चिकी, पर सुबह खानी थी पर अब मैं खा रहा हूँ शाम को, बहुत भूख लगी थी। डिनर करके हो चुका है और मैं आया हूँ मेरे दोस्त के यहाँ। जय श्री राम, जय श्री राम। और आप फ्लैग तो देख ही रहे हो मेरे पीछे, गिव्स मी अ स्ट्रेंथ। लेट्स प्ले डीजे, आर यू गाइस रेडी? पतंग उड़ाना जिंदगी के बारे में बहुत ही प्यारी चीज़ सिखाता है कि ढील कब देनी है और डोर कब खींचनी है। ये पता हो तो हम सब की पतंग ऊंची उड़ सकती है। वापस से स्वागत है आपका, मैं हूं अक्षय पाटनकर। सो आज है मकर संक्रांति का दूसरा दिन जो कि काफ़ी एक्साइटेड रहने वाला है। पप्पा जी और अंकल जी दोनों ऊपर टेरेस पर पहुँच चुके हैं और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ टेरेस पर जाने के लिए। आज थोड़ा मैं जल्दी रेडी हो चुका हूँ, अभी बजे 9:30, तो चलो चलते हैं टेरेस पर। आज दूसरा दिन है तो सबकी ऑफिस बिजनेस दोपहर तक चालू रहने वाला है, तो अभी तो टेरेस पे कोई नहीं है। हवा काफ़ी ज़ोरों से आ रही है और धूप भी बहुत है, इसी वजह से मेरा ये पूरा सनटैन हो चुका है। पर कोई नहीं, एंजॉय तो करेंगे, कुछ भी हो जाए। पूरा आसमां लाल दिख रहा है क्योंकि स्पेक्सी वैसे पहने। ये लगी है पैच, चार पैच एक साथ लगी हुई है। जान दो। और यहाँ पे मेरा भाई भी पतंग उड़ाने आ गया है पूरा पैकअप होके। देख ही रहे हो, कटनी चाहिए, कटेगी। कैसे तैयार हुआ है भाई तू? नहीं काला नहीं होगा भाई, खींच ले। कैसे कटी? क्रिकेट खेलने जा रहा है लगता है, ये तो पूरा तैयार हो चुका है। कट चुकी है हमारी पतंग। आला। धूप काफी ज्यादा है पर अब मुझे लगी है जोरों से भूख, तो मैं पहले नीचे खाना खाने जाऊंगा, फिर खाना खाते ही वापस से ऊपर आके किन्ने बांधे हैं तो वो करेंगे काम। फिर आज तो शाम को मजा आने वाला है 3 से 6-7 बजे तक, तो बस अब नीचे जाके पहले खाना खा लेता हूँ। पापा ने आधे घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं और 3-4 पैच काट लिए। पापा कितनी पैच काटी है? चार पैच काट लिए। अब और कितनी काटेंगे पता नहीं, बहुत ही छोटा हो चुका है पतंग, पर उड़ाएंगे जब तक कटेगा नहीं तब तक काटते ही रहेंगे। सेकेंड हाफ की शुरुआत होते ही देख रहा हूँ तो धूप बहुत ही तेज़ है पर हवा भी इतनी ज़्यादा है, तो आज पतंग उड़ाने में सेकेंड हाफ में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और बड़े पापा भी ऊपर आ गए।
पतंग नहीं दिख रहा है भाई, कहाँ से उड़ाए और कहाँ से ना उड़ाए। अकुल पतंग दिख रही है क्या भाई? नहीं दिख रही भाई, क्या करें, उड़ाएंगे तो जरूर। अब बगलू पतंग उड़ाएंगे, यानी कि व्हाइट पतंग, गुजराती में कहते हैं बगलू। वापस से आ चुका हूँ मेरे दोस्त यहाँ, और यहाँ पे लाइट वाली पतंग उड़ा रहे हैं हम, काफी मजेदार है। लेट मी शो यू। दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करेंगे हम। बाईस की उत्तरायण यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और साथ में सब्सक्राइब जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।